यूपी का आदमी जे एंड के में काम नहीं कर सकता क्या? तो जे एंड के का आदमी यूपी में जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा भाई? इंडिया एक है यहाँ, ये मत बोलो कि यूपी का आदमी है कि बाहर का आदमी, इंडिया एक है। कोई पाकिस्तान से नहीं आया, कोई अफगानिस्तान से नहीं आया। देखो जी, इनकी बोल पाकिस्तान से नहीं आया, फिर ऐसे बोल। अगर ऐसा बोलना कि अगर यूपी का अगर यूपी का आदमी, यूपी का आदमी जे एंड के में काम नहीं कर सकता क्या? तो जे एंड के का आदमी यूपी में जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा भाई? सच्चाई बोलना गुनाह है, कोई सच्चाई बोलना कोई गुनाह है? देखो देखो, आपका आपका अपना घर है, आपके घर में कोई दूसरा बंदा घुसने की कोशिश करेगा, आप घुसने दोगे उसको? ये कोई तरीका थोड़ा है? ये तो नलायकी है ना गवर्नमेंट की। मैं बोला, ये बोल रहा है विक्रम चौक से दो बंदे का 120 रुपया है ही नहीं, 20 रुपए से लेके 30 रुपए सवारी है। जबकि तीन सवारी बैठ, हां सवारी हो, हां तीनों सवारी है। और ये ड्राइवर कार में हुई है, आप किस में लीजिए भैया? मैंने 120 रुपए दो सवारी का मांगा। हां देखो, अंदर बंदा 20 रुपए हट जा। कल बाय द वे कुछ होता है, अगर हाथापाई होती है, अगर वो हमें मारेंगे, मारना हमें भी है, ठीक है? नहीं यानी कि जम्मू की सड़कों में ओपनली गुंडागर्दी। देखो ना, हमें कितनी बार मारेंगे ये? जब सामने ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो जब हम अकेले इनको रोकते होंगे तो ये हमसे कैसे बात करते होंगे? हमारे जम्मू का ये ऐसा कल्चर नहीं है, और आज ये हमारा जम्मू ये नया जम्मू बन गया है। गवर्नमेंट ने जब इनको जम्मू DC अबड़ी लवासा जी ने इनको रूट दिए हैं, इनको रूट पे चलाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये खुले छोड़ दिए इन्होंने पूरी सिटी में। हमारे जो काले ऑटो हैं, 40-40 साल हो गए हमें ऑटो चलाते हुए इधर, हमारे 8 डॉक्यूमेंट हैं, इनके एक ही डॉक्यूमेंट है खाली, वही है लसंस ही लसंस है। ऐसा हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मीठी भाषा में बात करते हैं, मीठे चलते हैं और बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, और इनके आने से जो हमारे जम्मू के लोग हैं वो भी इनको देख के ये वाली भाषा सीख लेंगे। इतना आने वाले समय यहाँ चोरी होगी, ठीक है? तो उनकी जो लैंग्वेज है ना, मतलब बड़ी गंदी लैंग्वेज है। हमारी जो जम्मू की लैंग्वेज है, मतलब तमीज से बात करते हैं। जैसे हमारे मतलब कोई मैडम खड़ी है या कुछ भी, कोई भी खड़ा है, हम देखते हैं भाई कोई बंदा खड़ा है, तो मुँह से जो लैंग्वेज है वो नहीं बोले, पर ये देखते नहीं हैं। बदतमीजी, गाली और डर ही लगता है इनकी बोली से। ना इनकी कोई चेकिंग है, ना इनका कोई सिस्टम है, ना इनका कोई रूट जो दिए हैं उस पर इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। ये हमारे में झगड़ा इन्होंने गवर्नमेंट ने बनाया है, ये सरकार को आप जिम्मेवार, हाँ सरकार की जिम्मेवारी है। ये सारी जिम्मेवारी लड़ाई झगड़ा करा रही है गवर्नमेंट। जो रूट दिए हैं, रूट पे इनको चलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा ही नहीं किसी चीज़ का। हम तो चाहते हैं स्मार्ट सिटी का वेलकम करते हैं। और जो काम आप लोग कर रहे हैं कि इन्हें इनके रूट बता रहे हैं, वो काम आप लोगों का है ही नहीं है। ये जम्मू DC जो गवर्नमेंट की जो बिठाया हुआ, जो जम्मू DC मालिक होती है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, ये उसी का फर्ज बनता है। उसने पहले 2-4 मीटिंगें की हैं, इनको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। जहाँ पे मेटाडोर नहीं जाती है वहाँ पे रूट दिए हैं, जहाँ लोगों को मतलब प्रॉब्लम आ रही है आने जाने में, ये रिक्शे वहाँ के लिए इन्होंने दिए हैं। क्या आपने ये जो सारी समस्या आ रही, ई रिक्शा के जो प्रधान है उनसे हाँ बात करने की कोशिश की कि भाई? हाँ की है, कहते हमारी बातचीत चल रही है। अच्छा। ये बातें सुनते 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 तो साल हो गया है, हमारी बात चल रही है, ये कोई तरीका थोड़ा है? आए दिनों में हमारे जो स्टैंड हैं 40-40 साल पुराने, वहाँ पे खड़े कर देते हैं। ये हमारे जो पुराने ऑटो वाले, काले ऑटो वाले हैं जो ये पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, तो ये इनको मना करते हैं तो ये लड़ाई पे आ जाते हैं। ये कोई तरीका थोड़ा है? इन लोगों से झगड़ा हमारा थोड़ा है कोई, ये गवर्नमेंट करवा रही है। गवर्नमेंट का फर्ज बनता है ना, अपने अपने रूट पे चलो भाई, इन काले ऑटो वालों को तंग मत करो। ये सिस्टम बनता है गवर्नमेंट का चलाना, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। आए दिन हम रिपोर्ट कराते हैं इधर पुलिस स्टेशन में, समझे बात? आपस में राजीनामा कर लो जी, समझौता कर लो। काम करने के लिए निकलते हैं घर से कि? हाँ, घर से सुबह आते हैं काम करने के लिए। आज आके हमारे जो स्टैंड है, इतने पुराने स्टैंड हमारे 40-40 साल पुराने, गवर्नमेंट ने हमें परमिट दिया, रूट परमिट दिया, हमें परमिट दिया है सवारी उठाने का, इनके पास परमिट ही नहीं है। आए दिन इनके कितने खड्डा हो, छोटा मोटा हो, वहाँ भी गिर जाते हैं, फिर भी लोग उसी में जा रहे हैं, समझे बात? हमारा भी रेट कम है, हमारा भी मीटर पे चल रहे हैं, रेट कम है हमारा, हम ये नहीं है फ्लैट रेट पे चल रहे हैं, रेट हमारा बिल्कुल जेन्युइन होगा। पेट्रोल गाड़ी, आपको पता पेट्रोल क्या भाव चल रहा है, हमने पेट्रोल का खर्चा भी निकालना है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी निकालनी है। आए दिन जो हमारे इतने खर्चे बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कहने की बात नहीं। कभी कोई टैक्स बढ़ गया, कभी कोई टैक्स बढ़ गया, कभी कोई टैक्स बढ़ गया, फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं हम। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इनके अपने रूट पे चलवाओ, जो इनके रूट गवर्नमेंट ने दिए हैं उसी रूट पे चलाओ इनको। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कितना बड़ा रोल समझते हैं? सबसे बड़ा रोल ही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, जम्मू DC का रोल है।
इन्होंने ही इनको चलवाना है, जहाँ इनका रूट मिले हैं अपने रूट पर चलें, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं किसी का। जब से ई रिक्शा और ई ऑटोज़ जो हैं जम्मू की सड़कों पे चलना शुरू हुए हैं, तब से ये ऑटो वालों का और ई रिक्शों वालों की जो अनबन है वो देखने को नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ऑटो वाले कहते हैं कि भाई रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले वहाँ से सवारी उठाते हैं जहाँ हमारा स्टैंड होता है, और ई रिक्शा वालों का कहना है कि भाई ये हम पे जुल्म करते हैं, हमें सवारी ही नहीं उठाने देते हैं। इस समय आप मेरे पीछे जितने भी देरे सारे ऑटो ड्राइवर्स हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आज क्या मसला हुआ है। क्या नाम है आपका? नाम सोनू है मेरा। अच्छा, मुझे बताएं कि आज क्या मसला हुआ। हाँ, ये मसला हुआ कि एक ऑटो वाला रिक्शा वाला आया, मैंने कहा भैया ये स्टैंड है थोड़ा आगे चले जाओ वहाँ भरो। ठीक। उस बंदे ने क्या किया कि थाने पे आया, FLFI मेरा नाम भी उठेगी, इसने मेरा पर्स निकाला है। अच्छा? मेरे पास वीडियो, मेरा वीडियो पड़ी मेरे पास, देखो कि मैंने ई रिक्शा वाले, जी जी रिक्शा वाले ने। तो मेन बात क्या है, जो परसों वीडियो नहीं थी मैंने देखी, आपने 500 वाली ई रिक्शा वाला जिसने 2 मिनट 500 मांगा था, तो लड़के ढूंढ रहे मेरे को मारने के लिए। पिछले हुआ क्या, हुआ क्या था, 3 दिन पहले की बात है, 2 टूरिस्ट थे, ठीक है, उनका झगड़ा होता है ई रिक्शे से। मैं वहाँ से गया, मैं भाई क्या बात है, उसने भैया ये ई रिक्शा वाला है, इसने मेरा 2 किलोमीटर घुमाया, फिर 500 किराया मांग रहा है। मैंने कहा भैया, हाँ मैंने टूरिस्ट के साथ, हाँ मैंने कहा भैया यार 2 किलोमीटर 500 बनते हैं। उसका बुरा हाल, दारू भी रखी थी, बुरा हाल था उसका। तो मैंने बोला भैया आप टूरिस्ट होता, हाँ भैया हम टूरिस्ट हूँ। तो मैंने कोई बात, मैं एक काम करो 100 रुपये दो, काम खत्म करो। वो कहता लेना 500। फिर मैं टूरिस्ट से पूछा भैया क्या बोल रहा है, भैया बोल रहा है मार दूंगा, तो जानता है मेरे को, मैं गुंडा हूँ। मैंने वीडियो बना के, वीडियो देखो आप मेरी, मैंने वीडियो शेयर की है, वीडियो शेयर कर रखी है मैंने मोबाइल में, वीडियो आप दिखाएं जरा, दिखाते वीडियो आपको। फिर मैंने कहा भैया यार ये टूरिस्ट इंसान है, ये हम ही नहीं के सारे जीते हैं, क्यों भैया सब याद है ना, टूरिस्ट आएगा तो हम लोग पैसा कमाएंगे, हमारा घर चलेगा, अगर हम ही उनसे बदतमीज करेंगे तो हमारा क्या फायदा। करते ये हैं, नाम हमारा सबका आता है कि ऑटो वाले बदतमीज हैं। देखो वीडियो, देखो दिखाता हूँ वीडियो आपको। रिक्शा वालों का तो कहना है कि ये खुलेआम गुंडागर्दी ऑटो वाले करते हैं, हमें सवारी नहीं उठाने देते। वो हमारा काम है, हमारे स्टैंड पे बात, हमें स्टैंड इशू किया गवर्नमेंट ने, अगर हमारे स्टैंड पे आगे उठाएंगे सवारी तो वो उठाएंगे, देखो बताओ आप, अरे इनका भी स्टैंड होगा, हम वहाँ जाएंगे तो ये हमें मारेंगे। मना करते हैं लड़ते हैं आगे से, जब स्टैंड पे आते हैं मना करते हैं, हम लड़ते हैं हमसे, एक साथ दो दो हाथ, एक रिक्शे में दो दो बंदे बैठे होते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मुंह बांध देते हैं। ऑटो में भी कंडक्टर होते हैं? रिक्शा में, ई रिक्शा में भाई, ई रिक्शा में कंडक्टर होते हैं, मतलब दो दो लड़के होते हैं, एक ना एक उन्होंने आके साथ बिठाया होता है अपना खाने पीने के लिए। ये लोकल थी वीडियो देखी आपने, ये टूरिस्ट था वो, ठीक है, दो टूरिस्ट थे, इनका बेचारा रो रहे थे, मैंने इनका मसाला करवा दिया, मैंने कहा 100 रुपये दो उनको, वो ये पी रखे, देखो इसका हाल, देखो इसका एक वीडियो, ये दिखाता हूँ वीडियो और आपको। सर कहाँ से यार 500 मांग रहा आपसे यार? 500 मांगे कितना? 200 रुपये दे रहे थे। 30 बनते हैं। ये टूरिस्ट के साथ बात, ये टूरिस्ट की बात है, मैं वहाँ पे देखा, मैंने एक वीडियो और भी देखी है। अच्छा, ये देखिए, मैंने बोला ये बोल रहे हैं हमें विक्रम चौक से दो बंदे का 120 रुपया, ठीक है, नहीं 20 रुपये से लेकर 30 रुपये सवारी है, जबकि 3 सवारी बैठा, सवारी हो, हाँ तीनों 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 सवारी है, और आप ये ड्राइवर हुई है, आप किस में लीजिए भैया, मैंने 120 रुपये दो सवारी का मांगा, 15 बंदे 20 रुपये, वही तो बोल रहा हूँ, रखी देखो ना आपने, ड्रिंक कर रखी है, नशे कर रखे हैं लोगों ने, इनका हाल है। अब ये देखो एक, अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, जब क्यों ये होगी बात, अब क्या लड़के ढूंढ रहे हैं मेरे को मारने के लिए, कभी मुझे मारते हैं, कभी ये रात को इनसे झगड़ा हुआ, क्यों आप लोग वीडियो अपलोड करते हैं, रात को भी झगड़ा हुआ, रात को एक सरदार जी आए मेरे को मारने के लिए, दूसरे सरदार जी थे उनके साथ जगह हाथों पाई, हमारे स्टैंड पे एक सरदार जी चलते हैं। अच्छा। तो वो सरदार दिन को पहले गाल गलोची हुई, रात को वो पी के आके स्टैंड पे आके, अच्छा मतलब ये तमाशा चल रहा है कि ई रिक्शा वाले टूरिस्ट को 2 मीटर की रेंज में घुमा के तो 500 रुपये मांग रहे हैं। जी जी आपके सामने देखो, प्रभु के सामने है वीडियो, देखो आपके सामने। आज क्या हुआ, वही ई रिक्शा वाला आया, मैंने कहा भैया बात सुनो आप, ये स्टैंड है हमारा, आगे चले जाओ। अभी उसने क्या किया, FLFI झूठी मेरे नाम पे कि मेरा पर्स निकाल लिया, वही वीडियो मेरे पास पड़ी देखो, उसमें पर्स निकाला हुआ दिखाओ, और ऐसा काम हम करेंगे बताओ। हमने वीडियो बनाई है उसकी, विक्रम चौक से स्टेशन का 500 रुपये लिया है, तो रात को आके वो धमकी दे रहा है, मेरा पर्स निकाल लिया है, ये कैसा कानून है? ये ऐसा क्यों, हम कोई चोर चक्के थोड़ी है, हम काम करने आए हैं। कितने सालों से आप लोग ऑटो चला रहे हैं? 25-25, 30-30 साल से गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाकायदा यूनिफॉर्म डाल के गाड़ियाँ चलाते हैं, इनके पास ना कोई यूनिफॉर्म है ना कुछ है, ना कोई अगर निकर में आते हैं, इनको पता ही नहीं है कि हमारे रूट क्या है। अच्छा। सर रिक्शा निकालते हैं 30,000 रुपये दे के रिक्शा निकाल लेते हैं, आगे वो धंधरगाजी कर रहे हैं, हम लोग परमिट लेके गाड़ियों के बैठे, हम परमिट वाले कहाँ जाएंगे?
तो आपने इस समस्या के बारे में अपने प्रधान को समस्या बताया है, वो हमारी मीटिंग अभी है 17 तारीख को, हमारा कुछ होगा। देखो कल बाय द वे कुछ होता है, अगर हाथापाई होती है, अगर वो हमें मारेंगे, मारना हमें भी है, ठीक है? नहीं, यानी कि जम्मू की सड़कों में ओपनली गुंडागर्दी चल रही है। देखो ना, हमें कितनी बार मारेंगे, अभी परसों गुंडागर्दी है ना, अभी जैसे यूपी बिहार में गुंडागर्दी है, ऐसे जम्मू में भी होगी। रात तो नहीं, ये ऐसा रोज चलता है, परसों रात को लड़का था ऑटो वाला, काम नहीं कर सकते, सिर्फ इनके पीछे दौड़ते रहते हैं, इनको एक को निकाल के आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, दूसरा आ जाता है। सवारी 2 बजे रात को आई, रिक्शा वाला आया, भैया देखो भैया हम जाओ, आप चले आओ, हमारा स्टैंड है। उसने उसको पंच मारा, क्या हमारा यहाँ से उसको फाड़ दिया, 4 टांके लगे उसको, वो भी लड़के ने FL लिखाई थी, ठीक है? क्या करे बताओ, कल इनको लास्ट वो दे दिया हुआ है, 17 तारीख को हमारा जो चक्का जाम है, ठीक है? अगर ये इनका मसला हल नहीं करेंगे तो हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। अच्छा। सारी बसें से हमारी गाड़ी के RNO कागज हैं, ठीक है? टोल टैक्स हो गया, वो टैक्स, पीनी टैक्स, ये तो ई रिक्शा है ना, बैटरी पे चलेगा तो ऑटोमेटिकली किराया भी तो तय करना। मेरी बात तो वही ना, अगर हमारा काम बंद होगा, हम कहाँ से पैसे निकालेंगे बताओ ना? पहले कौन दोस्ता बंद रखा, तभी हमने अच्छा, ई रिक्शा वालों का ये भी कहना है कि इनको हमारे साथ परेशानी इसलिए क्योंकि सवारी ज्यादा ई रिक्शा पर जाना पसंद करती है। एक रिक्शे पे कम से कम 8-9 बैठती है, कभी देखना, मैं दिखाऊंगा वीडियो आपको, मेरे पास पड़ी पहले। एक रिक्शे पे 5-5, 6-6, 3-4 ऊपर, 2-2 पीछे, बस इसे ऊपर है नहीं है, 6-6, 7-7 कभी आप भी देखो ना। इस पे कोई पुलिस वाला कभी किसी ने पूछा? कोई नहीं पूछता, ओवरलोडिंग का कुछ नहीं। पुलिस वाले बोलते हैं जब तक हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। ओवरलोडिंग कुछ नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस भी इनको देख रही है, वो कुछ नहीं है, वो तो बस ऑटो वालों के लिए है ना, मिनीबस के लिए, इनके थोड़ी कुछ है, जिनके परमिट लिए हुए हैं उनके लिए कानून है, इनके लिए कोई कानून नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या गुहार? हम चाहते हैं कि हमारा कुछ हल मसला हल किया जाए, ठीक है? इनको रूट दिया जाए, जो झगड़ा है रोज का खत्म किया जाए। रूट तो है इनके पास, ठीक है? वहाँ भेजो इनको, जो एडमिनिस्ट्रेशन है थोड़ी वो करो ना, उनको स्थिति हो जाए थोड़ा तेज, हमें देखो कोई करते हैं तो पुलिस को दो, इनका एक्शन लो, एक्शन लेना चाहिए। रेलवे स्टेशन में कोई रूट नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको, एक्चुअली क्या है, रूट का मतलब ये नहीं होता कि इनको स्मार्ट सिटी के लिए उतारा गया है, स्मार्ट सिटी के लिए सिटी में चले, ठीक हो? जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, इनको वहाँ का रूट नहीं दिया गया। अगर इनकी लिस्ट में देखेंगे तो वो 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक ही है ओनली, ठीक है? इनको ये वाले रूट नहीं दिए गए हैं। आप उनकी रूट की वो लिस्ट चेक करना। अच्छा, 5 किलोमीटर उसे क्या होता है कि हम लोग जैसे हमें स्टैंड दिए गए हैं, स्टैंड में क्या होता है कि नंबर सिस्टम से गाड़ी चलती है। बुरा हाल है, झगड़ा रोज झगड़ा है, कल ऐसा ना हो कोई मर जाए तो कौन जिम्मेवार होगा इसका, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि लगातार जब से ये ई रिक्शा सड़कों पर उतरे हैं तब से जो एक मतलब एक जो अनबन है वो ई रिक्शास में और ऑटो ड्राइवर्स में जो है वो देखने को मिल रही है। और आज हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हाथापाई जो है वो हो रही है, हाथापाई पे उतर रहे हैं। ऑटो वालों का डायरेक्टली कहना है कि ये किसी भी समय पर आते हैं और हमारे ही स्टैंड से जो है वो सवारी उठा कर ले जाते हैं। हालत ये हो चुकी है कि ऑटो ड्राइवर्स हैं ये जो 25 मैं आपको दिखा भी दूँ 25-25, 30-30 सालों से जो है ये काम कर रहे हैं और आज इनको कहीं ना कहीं डर महसूस हो रहा है कि अगर हम लोग कल कहीं ई रिक्शा वालों को कुछ बोल दें या कुछ बातचीत कर लें तो क्या पता वो हाथापाई पे उतर आए। इस टाइम पे ये सिचुएशन जो है वो जम्मू में बन चुकी है।